नमस्कार दोस्तों, मैं सोक आर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ यात्रा में। दोस्तों, मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि यदि एक बार आपको हाई बीपी हो गया तो आपको जीवन भर गोलियां खानी पड़ेगी, लेकिन यदि आप नियमित रूप से आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह समस्या आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में हाइपरटेंशन की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों, योग तंत्रिकाओं को शांत कर असामान्य हृदय गति को ठीक करता है, वहीं योग प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाता है और दिल की समस्या जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। यदि शरीर और दिमाग को आराम ना मिले तो तनाव व हाई बीपी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। योग शरीर और मन दोनों को सकारात्मक ऊर्जा देता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जो हाई बीपी को संतुलित करने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सरल आसन है जिन्हें सभी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सके। चलिए आ जाइए अपने मैट पर। समस्थिति, दोनों पैरों के पंजे मिले होंगे, एड़ी पंजे मिले होने चाहिए और यहाँ से हम खड़े होकर तीन आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए और हथेलियों को आसमान की तरफ कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को उठाइए और पंजों पर आइए और इस स्थिति में कम से कम आपको 10 सेकेंड रुकना है, ठहराव देना है थोड़ा, तो धीरे धीरे उसके बाद वापस। अगला आसन ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन, पैरों के बीच में हल्का सा गैप, लगभग 2 से 3 इंच का अंतर और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाओ और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है अपनी कमर से और धीरे से वापस। अगला अभ्यास कटी चक्रासन, दोनों पैरों के बीच में लगभग कंधों के बराबर अंतर लेके आइए, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दाएं तरफ जाइए, सांस भरते हुए वापस, उसके बाद सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ। इस प्रकार 10 से 15 बार करना है। धीरे से वापस पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को अपनी बगल में रखिए, आपके हाथ आपकी बगल से टच रहेंगे और धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर रोकेंगे कुछ देर, उसके बाद धीरे से वापस। अगला अभ्यास सर्वासन, दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे लेके जाइए और धीरे से सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाइए, अर्ध सर्वासन और धीरे से वापस। इसके बाद बाएं पैर धीरे से वापस। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ मिला के दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे और रोकेंगे यहाँ पे, धीरे से वापस आएंगे। अब दाएं तरफ से करवट लेते हुए लेट जाइए। अगला अभ्यास मरकट आसन, दोनों पैरों को बैंड करके रखिए, आपस में मिलाकर आपकी एड़िया आपके नितंब के पास होगी, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां नीचे की तरफ। अब सांस भरिए, सांस छोड़ते पैरों को अपने दाएं तरफ और गर्दन बाएं तरफ लेके जाइए।
घुटनों को जमीन पर लगा के रखिए, यहाँ पर रोके कुछ देर, उसके बाद धीरे धीरे सांस बढ़ते हुए वापस। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को बाएं तरफ और गर्दन दाएं तरफ लेके जाइए, धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास शवासन, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ शरीर के बराबर में, हथेलियां ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, ये कुछ योगासनों के अभ्यास थे, जिसे आप अगर नियमित रूप से करोगे तो आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने हाई बीपी के कारण, लक्षण और उसके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आने वाली वीडियो में हम आपको हाई बीपी के लिए कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए बताएंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।